स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी फ्रॉम STTB सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, कल हम सिक्स क्लास में कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपको मैंने बताया था भिन्नता को समझना, आपको कल समझाया था मैंने डाइवर्सिटी का क्या होती है। जैसे एक टास्क भी दी थी करने के लिए, आप लोगों ने की होगी अपनी फ्रेंड्स के साथ ये टास्क, तो आपने देखा होगा कि सभी के आंसर डिफरेंट आए हैं। तो डिफरेंट आंसर आने से आपको पता लग गया होगा कि ये जो डिफरेंस और कुछ आंसर सेम भी होंगे, तो ये डाइवर्सिटी होती है। तो आगे आज करेंगे मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। आपने कभी सोचा है कि जो आपसे डिफर होते हैं, आपसे अलग तरह से होते हैं, आप उन्हें कैसे फ्रेंड बना सकते हो, उन्हें फ्रेंड बना सकते हो? अब ये आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे, दो बच्चों की कहानी है। आई हैड मेंट इट हैज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। मैंने इसे एक जोक में लिया, ये स्टोरी जो है एक जोक में है। ये नरेटर जो स्टोरी सुना रहा है वो अपने आप को मैंने बोल रहा है। यहाँ पे एक जो छोटा बच्चा है, गरीब बच्चा, वो जनपद में एक क्रॉसिंग इंटरसेक्शन जहाँ रेड लाइट्स होती हैं उसे बोलते हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है और वो वहाँ पे काफ़ी रश होता है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी एंड होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। जब भी मैं साइकिल पे होता था और वो मेरे, जब भी वहाँ रुकता हूँ साइकिल पर, तो वो क्या देखता था कि वो मेरे पीछे भागता था, उसके हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर होती थी और वो चिल्लाता था शाम की इवनिंग हेडलाइंस, और वो ये मिक्स इंग्लिश और हिंदी के मिक्स वर्ड्स बोलता था कुछ। This time I stopped by the payment and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. इस बार क्या हुआ, मैं जब रुका तो मैंने उसे कहा कि मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दे दो, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। You mean you know Hindi? He asked. उसने मुझे कहा, क्या तुम हिंदी जानते हो? Of course, I said as I paid for his paper. मैंने पैसे देते हुए उसे बोला, हाँ बिल्कुल। Why? What did you think? क्यों आप, उसने, मैंने कहा भी क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? He paused, but you look so angry. He said, you mean you can even read Hindi, even read Hindi? उसने कहा कि मुझे ऐसा, वो रुका, उसने फिर रुक कर बोला कि मेरे को लगता था आप कुछ कुछ ना अंग्रेज जैसे लगते हो, उसने कहा, और क्या आप हिंदी भी पढ़ लेते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज वन ऑफ सब्जेक्ट आई स्टडी इन माय स्कूल। इस बार मैंने थोड़ा, जैसे होता ना कि इम्पेशेंटली, जल्दी जल्दी बोला, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी जो है हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है। देखो ये क्या है स्टोरी, यहाँ पे एक लड़का है, ये देखिए रेड लाइट पर ये न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है, और यहाँ एक दूसरा बच्चा है जो साइकिल पर उसे रोज वहाँ से क्रॉस होता है, और ये इससे बात कर रहा है कि ये जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है वो कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ऐसे लगते हो अंग्रेज, यानी पढ़े लिखे लगते हो, तो क्या तुम्हें हिंदी आती है? ये कहता हाँ आती है। ये इस दो बच्चों की स्टोरी है। वो कहता सब्जेक्ट पढ़ता हूँ मैं। अब ये आगे कहेगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? इसमें देखिए सब्जेक्ट, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। सब्जेक्ट, उसने कहा, उसने पूछा, तो मुझे ये लगा, मैं उसे ये सोचते कि मैं अब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, जो कभी बच्चा स्कूल ही नहीं गया होगा उसे सब्जेक्ट के बारे में क्या पता होगा कि क्या होता है। वेल इट इज समथिंग, अच्छा, उसने कुछ बताना शुरू किया जैसे ही, तो क्या हुआ,
आई बिगेन बट द लाइट चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। अब क्या हुआ, जैसे उसने बताना शुरू किया तो इतने रेड लाइट जो ग्रीन हो गई, रेड लाइट चेंज हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, तो पीछे से आप देखते हैं ना जब ग्रीन लाइट होती है तो क्या होता है, एकदम बहुत सारे हॉर्न बजने लग जाते हैं लोग एक दूसरे को आगे करने के लिए, पुश करने के लिए। तो इसी तरह से ग्रीन हुई और पीछे से हॉर्न बजने लगे बहुत सारे, और मैंने भी अपने आप को आगे बढ़ा दिया ट्रैफिक के साथ, मैं भी आगे बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जो दूसरा लड़का था, जो न्यूज़पेपर वाला नहीं, दूसरे वाला भी आगे आज चला गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग एट अ हिंदी पेपर। अगले दिन क्या हुआ, वो फिर उसे वहां मिला स्माइल करता हुआ और उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर था। भैया ही सेड आपका अखबार, उसने मुझे बुलाया और कहा आपका ये भैया ये आपका अखबार है, अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक एज अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो ये जो है ना, उसने जैसे बोला ना सब्जेक्ट, आप देखते हो अगर कोई लैंग्वेज उसे बोलनी नहीं आती और हम उसे बोलते हैं तो एक अलग सी टोन आती है, इसी तरह से उसने जो सब्जेक्ट बोला ना वो थोड़ा उसके मुंह से बड़ा अजीब सा लग रहा था इंग्लिश वर्ड, क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं थी, तो उसके मुंह से थोड़ा अजीब सा अलग मीनिंग सा दे रहा था। ओ इट इज इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड। तो जो पढ़ा लिखा बच्चा था उसे समझाते हुए मैंने कहा, वो अपने आप को मैं कह के नरे बोल रहा है, मैंने कहा ये कोई सब्जेक्ट ना कोई चीज होती है पढ़ने की। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड केम ऑन आई आस्क हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। इतने में क्या हुआ कि जैसे ही बात करने लगा इतने में रेड लाइट हो गई, रेड लाइट पे तो हमें रुकना होता है ना, फिर वो रुक गया और उसने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी स्कूल देखा है। नेवर ही आंसर्ड, नहीं कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माय साइकिल सीट। फर्स्ट माय मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। तो उसने ना कहा बड़ी प्राउडली, बड़े गर्व से कहा नहीं मैंने तो कभी स्कूल नहीं देखा। और इतने में उसने आगे बताना शुरू किया अपने आप को, हाथ के इशारे से ना साइकिल की सीट के बराबर हाथ का इशारा करके कहने लगा, जब मैं इतना बड़ा था ना तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था, पहले तो मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही आता हूँ, वो मेरे साथ नहीं आती। वेयर इज योर मदर नाउ, तो मैं आई आस्क, बट देन द लाइट चेंज एंड इट वॉज ऑफ, आई वॉज ऑफ। तो क्या हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है, इतने में उससे बात कर ही रहा था तो लाइट फिर चेंज हो गई, ग्रीन लाइट हो गई और मैं वहां से चल पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज इन मेरठ विद डैश डैश द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट। तो उसने क्या कहा, इतने रेड लाइट ग्रीन हो गई तो चलना पड़ा मुझे, और मैंने पीछे से सुना वो बोल रहा था कि पीछे से मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया कि वो अब मेरठ में है, आगे मैं उससे कुछ सुन नहीं पाया बाकी। तो स्टूडेंट आज आपने यहाँ तक की स्टोरी रीड करनी है, आगे की स्टोरी कल।